तो देखिए फ्रेंड्स, रात ना मैंने चूल्हे भेज दे, देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। तो इन्हें ना मैं उबाल देती हूँ। तो मैंने 2 आलू डाल दिया है, थोड़े से या ज़्यादा नहीं आलू। तो देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे मैंने रख दिए उबालने के लिए। देखिए अंकित भाई जाता मुझे लगे दावत में, तो वे डब्बे लाए हैं, लड्डू मटेरे का डब्बा हो जाए, दिखाती हूँ आपको क्या चीज़ है इसमें। लड्डू मटेरे आप भी पा लीजिए। यहाँ पर निकाले मैंने मैदा, 1 किलो मैदा लाया था भाई, तो इसे ना छान लेती हूँ। यहाँ पर मंगवाई थी मैंने कसूरी मेथी, तो इसे इसे डालना है मेथी में। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा लगती है, स्वाद आता है। तो आज पहली बार बना रही हूँ मैं भटूरे। फिर कभी मैंने भटूरे नहीं बनाए, चूल्हे के साथ पूरियाँ बनाती थी या चावल बनाती थी, तो आज बना रही हूँ मैं भटूरे। देखते हूँ पहली बार कैसे बनते हैं। कोई बात नहीं, जैसे बनेगी खाई तो जाएगी, इवनी बनने गए दोबारा बना लेंगे। सही है, पहली बार में तो ऐसे ही होता है। देखती हूँ फिर भी ट्राई करके देख लेती हूँ कैसे बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी ली है मैंने आधी कटोरी सूजी, थोड़ी सी ली है आधी कटोरी दही, ये कसूरी मेथी है, यहाँ पर रखा है सोडा खाने का मेरा। तो देखिए फ्रेंड, मैदा मैंने छान दिया है, इसमें डालनी है सूजी आधी कटोरी सूजी, तो थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक। तो आज भाई हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा सोडा खाने का, थोड़े से डाल देती हूँ दही। कसूरी मेथी डाल देती हूँ थोड़ी सी, अच्छी लगती है। मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल रिफाइंड, तो इन्हें ना मिला देती हूँ सारों को। तो देखो मिला रही हूँ मैं आटे को अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया है, हल्का हल्का सा पानी से कर रही हूँ इसे आटे को। मैं थोड़ी देर के मार देती हूँ, थोड़ा सा इस पे ना तेल रिफाइंड डाल देती हूँ। थोड़ी देर के लिए ना 15-20 मिनट के लिए इसे ढक के रख देती हूँ, इससे कि अच्छा तरीके से बन सके हमारा आटा। टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 1 कटोरी है, हरी मिर्च का देती हूँ। तो छोले भी मैंने उबाल दिया है, अभी सिट्टी निकाली नहीं इसकी, गैस बन रहा है ना इसमें, तो अभी नहीं निकालती इसकी सिट्टी। फ्रेंड्स, थोड़े से आलू फोड़ दिया है मैंने, देखिए यहाँ पर आज से ही फोड़ रही हूँ, क्या कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, थोड़े से हल्के से गर्म हो रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा तो और है नहीं। देखिए इधर चूल्हे रखे हैं, चूल्हा जला दिया है, इस पर रखने हैं कढ़ाई, सब्जी चौंक देती हूँ, डाल देती हूँ 2 लाल मिर्च साबुत वाले। टमाटर का गेर धनिया, हल्दी मिर्च तो डाल दिया, हाँ मसाला तो डालने लग रही है, हरे धनिया डाल के पकाने लग रही है। कैसा हो गया धनिया?
चम्मच बटे रही है। कितना अच्छा बनाया हमारा टेस्ट बन जाए हमारे अच्छी तरह से। इसने थोड़ा सा खद्दा सा लगा दी तरी आन दे इसमें पानी गेर दो और वो थोड़ा सा तो देखो फ्रेंड्स पद्धत लग चुका है हमारे हाँ अब ये डाल दिए गए इसमें छोले। मसाला पककर तैयार था और अब ये पकाएंगे, पकने के बाद में खाएंगे। ये थोड़ा आलू के पीस हैं, ज्यादा नहीं डाले, थोड़े से डाले। बन जाएगा ना फिर गरम मसाला और हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सब्जी छोंक दी है कढ़ाई पे, कढ़ाई में छोंक दी है मिट्टी के चूल्हे पे, तो हरा धनिया भी काट दिया है मैंने। रात फ्रेंड्स भाई लाया था टंकी, तो टंकी सही करवाने के लिए बुलाया है इन वाले भैया को जिन्होंने हमारी फिटिंग करी थी। ये लाए तो ये पहले भी नीचे का काम कर रहे हैं, जो नीचे काम है ना वो वाला कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सारी अच्छी है, जो इनसे भी अच्छी लगी है वही लगा। देखिए यहाँ पर राठा भी अच्छी तरह से बन चुका है, देखिए कितना सॉफ्ट बनाया है। दिखाती हूँ फ्रेंड्स मामा जी आज क्या कर रहे हैं नीचे। देखिए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जी बन चुकी है हमारी, इसमें डालना है गरम मसाला। अब डाल देती हूँ हरा धनिया, तो इसे ना पतीली में रिता देती हूँ। सब्जी हमारी बन चुकी है, इसे उतार के रख देती हूँ। कढ़ाई उतारना है इसमें ना, भटूरे बनाऊँगी ना तो उसे साफ करके दोबारा इस पर कढ़ाई रखनी है। फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई रख दिया दोबारा मान लेती हूँ साफ करके, तो यहाँ पर रखा है आटा मैदे को, तो इधर मैंने सब्जी रिता दिया है पतीली में, तेल रिफाइंड पिला दिया है, सारा काम तैयार है तो बनाना रह रहा है बस। देखती हूँ आज पहली बार कैसे बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स भटूरे हमारे कितने अच्छे बने हैं, आप भी ज़रूर बताना कि कैसे बन रहे हैं। वैसे तो पहली बार ही बना रही हूँ मैं। तो नीचे चल रहा है कौन फिटिंग का, जो पाइप है थे हमारे फिटिंग कर रहे हैं पाइप के। इतना अच्छा बनाया हमारा भटूरा, कितना अच्छा भटूरा बनाया।
तो दोस्तों देखिए, पूजा ने पहली बार भटूरे बनाए हैं, कितने अच्छे और फूले फूले भटूरे बनाए हैं। पहली बार में कोई इतने अच्छे भटूरे नहीं बना सकता वाकई में, जैसे कि पूजा ने बना दिए हैं। देख सकते हैं आप, लाल लाल कड़कड़ाने भटूरे मैंने सारे खा लेते हैं अभी। गरम गरम बस यही जा रहा है लास्ट, तो यहाँ पर रख दिया गरम गरम भटूरे। आप भी ज़रूर बताना कैसे बन रहे हैं मेरे भटूरे। तो मंदिर में अभी हो रहा है कीर्तन। देखिए तो पूजा ने भटूरे जन्मदिन वाले दिन बनाए थे, और पूजा का जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया हमने सबने मिलजुल कर। देख सकते हैं आप, कुछ उसकी फ़ोटो है जो मैंने आज आपको शेयर की है। वीडियो तो कल की व्लॉग में आपको शेयर की थी मैंने, लेकिन आज जो है थोड़ी सी क्लिप फ़ोटो की है, उसके बाद अपना। और बस अब रह गया पूजा का जो है गिफ्ट, तो गिफ्ट आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा का गिफ्ट लाया। भटूरे और पूजा एक साथ चल रही है, अच्छा चीज़ ने वर्क कर दिया इसका। सबसे पहले सबका खाना हो चुका है, इसमें तो बड़े बर्तन रखा कर, यहाँ अरे सारे सूख जा, और यहाँ इसका वैसे बर्तन रखा छोटे बर्तन। हाँ। ये तो बहुत बड़ी है, हमारे वाले तो इतनी है भी नहीं। पूरी ऊपर मारे वाले में तो सारे तो बांधने का। वो तो बड़ा भी ले अपने आप, तू उसे बना ला जब बर्तन मांगने हो, और उसे पेट बांध ला पूरा उसका, उसे वो बोल रहा है प्रेम ज्यादा। बुआ जी ने नहीं आई, बुआ जी बनता है ऐसे ही, वो तो बन जाए सूचे कपड़े से। कैसे लगे छोले भटूरे? मैं कह रही मगर अभी एक हफ्ते में प्रोग्राम बनाते हैं, किसी दिन वही बनाओगे। अच्छा। दो तीन किलो मैदा मंगवा कर 2 किलो छोले भिगो के। अच्छा। ये मैंने बनाई है तक, लीला जितनी बार बनाई नीरज की साथ ही बनाई। आज मैंने पहली बार ही बनाई चाची, पहली बार कह रही मगर वहां से बनो ये गेट में। चलो संडे वाले दिन देख लो, संडे वाले दिन वही गेर में ही बना ले इधर के। अच्छा पर खेत खेत में खुले वातावरण में। हाँ ठीक रहा, चूल्हा बना लगे वही चल ले पर पड़ोसी ने कहा मोरत बीते कर दिया खाली। और उसका अच्छा नहीं भाई, अंबानी के लड़के की शादी होगी, सगाई होगी आज। चल बाल दे ना, चल अगी देखो हटी नहीं यार, मैं तो घेर तो गया कहीं तक नहीं आती। और मामा डे नाइट चल रही तो है, बहुत बढ़िया मिस्त्री मारा, डे नाइट पे नाइट शादी कर रहा है।